कहते हैं उचित मार्गदर्शन और सही सहयोग हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और वही कार्य अगर सामाजिक सरोकार से जुड़ा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने जैसा हो तो वह काम अलग ही निराला बन जाता है। कुछ ऐसा ही प्रेरणादायी व लोकहित का कार्य किया है पाली जिले की सोजत तहसील के अंतर्गत शिवपुरा ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच अर्जुन सिंह राठौड़ ने। दरअसल वायुसेना से रिटायर्ड पिता उमेद सिंह की सीख व प्रेरणा से प्रेरित होकर सरल स्वभाव व मिलनसार प्रवृत्ति के धनी अर्जुन सिंह ने 2015 के पंचायती राज चुनाव में विजय होकर सरपंच बनते ही शिवपुरा ग्राम पंचायत को हरा बनाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर पंचायत को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्य में सहयोग की अपेक्षा की तो ग्रामीण तत्पर तैयार हो गए। उन्होंने गांव के युवाओं व भामाशाहों के सहयोग से ग्राम पंचायत के गांव शिवपुरा, मुडावास, बीजपुर, खामल, हरिपुर, भाटों की ढाणी, चौकीदारों की ढाणी, आशुजी व भैरूजी की ढाणी आदि गांवों की लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ तालाब की पाल पर अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, पटवार घर, खेल मैदान सहित प्रत्येक घर में 5 पौधे प्रति व्यक्ति लगाने का कार्य शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन जगहों पर नीम, पीपल, बरगद सहित विभिन्न जातियों के लगभग 5,000 पौधे लगाकर उनकी देखरेख कर रहे हैं। वहीं इस वृक्षारोपण का संपूर्ण खर्चा सरपंच अर्जुन सिंह, ग्रामीण युवा व भामाशाहों ने अपने स्तर पर किया है। इसके लिए सरकार से 1 रुपया तक नहीं लिया गया। सरपंच की इस अनूठी व पर्यावरण को बचाने की पहल पर अब ग्राम पंचायत के सभी लोग प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए हैं। ग्रामीणों ने अब 5,000 पौधे और लगाने की ठान ली और वो अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत के विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और उनकी सार संभाल भी कर रहे हैं। शिवपुरा सरपंच के इस अनूठी पहल से प्रभावित होकर आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र के लोग सरपंच द्वारा किए जा रहे कार्य की भरपूर प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमारे शिवपुरा ग्राम पंचायत में तकरीबन 5,000 पौधे हम समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर लगाए हैं। यह प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी श्री उमेश सिंह जी राठौड़, एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड एयरफोर्स, मेरे पिताजी पूरे देश में घूमे हैं। तो जब मैं सरपंच बना तब मेरे को बताया कि अपने शिवपुरा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। तब मैंने मेरे ग्रामवासियों से जाके और मैंने उनसे पूछा कि मेरे पिताजी से ये प्रेरणा मिली है कि अपने शिवपुरा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। तो समस्त ग्रामवासियों, बड़े बुजुर्ग व युवा साथियों ने मुझे तुरंत कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया और सबने एक लक्ष्य बनाया कि प्रत्येक घर से हम एक पौधा लगाएंगे। तो मेरे ग्राम पंचायत में तकरीबन 5,000 के आसपास वोटर हैं। तो हम सब ने मिलकर हमारे शिवपुरा ग्राम पंचायत में तकरीबन 25 किलोमीटर डामर सड़क है जो मुख्य हम मार्गों से जोड़ती है। तो हम सब ने मिलकर विद ट्री गार्ड के साथ, न कि सरकारी पैसों से, भामाशाहों के माध्यम से हमने 25 किलोमीटर रोड को पूरा कवर किया है। और भी हमने जैसे खेल मैदान है, विद्यालय है, पटवार घर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, अस्पताल है और प्रत्येक व्यक्ति के घर में तकरीबन 5-5 पौधे प्रत्येक घर के अंदर भी हमने लगाए हैं सबके सहयोग से। और इसके अंदर जैसे हमारी युवा टीम है जिसमें राजू सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी एलडीसी है, नेवाराम जी वार्डपंच हैं, जबर सिंह जी मेरे कॉक्सा है, नरपत सिंह जी सोलंकी है, इस टीम भवर सिंह जी गोगादेव है, इस टीम का पूरा मेरे साथ सहयोग रहा और हम सब ने मिलकर इस 5 साल के अंदर तकरीबन 5,000 से अधिक हमने पौधे लगाए हैं। और भी हमारे गाँव में ऐसे ऐसे भामाशाह हैं जिन्होंने 100-100 पौधे लगाए हैं विद ट्री गार्ड के साथ, जैसे एक बाबूराम चौकीदार है, गन्नी खान जी है, और भी जैसे हमारे सोजत के लक्ष्मण जी काकू है, उन्होंने 51 पौधे तालाब की पाल के ऊपर पीपल, बड़ और इमली के लगाए हैं। हमने मोस्टली 99% पौधे लगाए हैं वो नीम के लगाए हैं। और आज की तारीख में 5,000 से भी ज्यादा पौधे सक्षम है, ऐसा नहीं कि एक भी पौधा गया है। और भी हमारे युवाओं ने मिलकर प्रण लिया है कि सर हम आप और मेहनत कीजिए, 5,000 पौधे हम बहुत ही जल्दी इस 2 साल के अंदर और 5,000 पौधे लगाकर हमारी इस ग्राम पंचायत को हरा भरा बनाने में हम सबका पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा।